गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज हो गया। दो चरणों में चुनाव होंगे और परिणाम आएगा 18 दिसंबर को। ईवीएम पर हल्ले के बाद इस बार सभी जगह वीवीपैट का इंतजाम होगा। वीवीपैट यानी वोटर देख सकेगा उसका वोट किसको गया। आगे देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस की पूरी रणनीति और हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की रहस्यमय मुलाकात का सच। अभी अमन बता रहे हैं गुजरात चुनाव का पूरा कार्यक्रम। कौन जीतेगा गुजरात की जंग, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि गुजरात में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। गुजरात चुनाव के नतीजों का ऐलान 18 दिसंबर को होगा। 18 दिसंबर को पता लगेगा किसकी बनेगी सरकार। सभी सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे। 9 दिसंबर को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें दूसरे चरण में 14 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात में कुल 50,128 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। तमाम पोलिंग बूथ पर वीवीपैट के जरिए चुनाव में वोटर को अपने वोट की पर्ची मिलकर आती है, जिससे पता लग पाता है कि आपने किसको वोट दिया है। गुजरात में आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, यानी कि अब सरकार गुजरात के लिए कोई भी ऐलान नहीं कर सकती। केंद्र सरकार में चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि की वीडियोग्राफी होगी। एक उम्मीदवार 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये 54 दिन बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले चुनावी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जीत का समीकरण बैठाने में जी जान से लग गई हैं। इस बार बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए हार्दिक पटेल भी ताल ठोक रहे हैं। 9th दिसंबर फॉर फर्स्ट फेज एंड 14th दिसंबर फॉर सेकंड फेज। हाँ, काउंटिंग डेट ऑफ काउंटिंग विल बी 18th दिसंबर फॉर बोथ द फेजेस। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही गुजरात में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस, देश की दोनों बड़ी पार्टियां, गुजरात चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हैं। कांग्रेस के लिए जहां गुजरात चुनाव करो या मरो वाली है, तो वहीं बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद यह पहला गुजरात चुनाव है और 22 साल पुरानी सत्ता को बरकरार रखना है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को इन दोनों बातों को ही ध्यान में रखना होगा। 2012 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी को 182 में से 115 सीटें मिली थी और 48% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 61 सीट और 39% वोट ही मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी को यहां 26 सीट और 60% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और उसे बीजेपी से 27% कम वोट मिले थे। अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को विधानसभा के हिसाब से तौलें तो बीजेपी के लिए 165 सीट बनती है, जबकि कांग्रेस के लिए सिर्फ 17 सीट। 2014 लोकसभा चुनाव के 3 साल बाद साबरमती नदी में काफी पानी बह चुका है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और गुजरात में हालात काफी बदल चुके हैं। पाटीदार आंदोलन के बाद बने हालात बीजेपी के हक में नहीं रहे हैं। पाटीदार आंदोलन की वजह से ही बीजेपी को आनंदीबेन को हटाकर विजय रूपाणी को सीएम बनाना पड़ा था। इसके बाद नोटबंदी और जीएसटी से गुजरात के व्यापारी नाराज हुए थे। हाल ही में कैश कांड में भी बीजेपी का नाम उछला है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी 150 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। ये 3 नौजवान को कांग्रेस सरेंडर हो गई है। अभी तो ऐसा लगता है कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ये तीनों के पीछे पड़ी है। कांग्रेस का पराजय ही इन तीनों के पीछे कांग्रेस गई है। इससे लगता है कि कांग्रेस का पराजय अब लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी 3/4 से ज्यादा सीट प्राप्त करेगी, 150 प्लस। गुजरात से आने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन 150 को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी रणनीति बनाने में पीछे नहीं है। राहुल गांधी गुजरात के रण में कांग्रेस के लिए संजीवनी ढूंढ रहे हैं। चुनाव के ऐलान से काफी पहले राहुल गांधी गुजरात में दौरे पे दौरा कर रहे हैं। राहुल ने गुजरात के विकास मॉडल को बीजेपी सरकार के खिलाफ हथियार बना रखा है। इन लोगों ने इतने झूठ बोले,
इतने झूठ बोले कि पहली बार विकास पागल हो गया। गुजरात के विकास मॉडल पर हमला करने के साथ साथ कांग्रेस जातिगत समीकरण साधने के एजेंडे पर भी चल रही है। ये तीन चेहरे उसी एजेंडे का हिस्सा हैं। गुजरात के बड़े ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। पूरी गुजरात के अंदर एक परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर है। 125 से ज्यादा सीटें जीत के कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी जी यही चाहते हैं गुजरात के अंदर जो परिवर्तन की लहर आएगी वो पर भारत के अंदर फैल जाए, और राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि गुजरात के अंदर गरीबों और बेरोजगारों की, किसानों महिलाओं की सरकार आए। इसलिए जो भी होगा वो सब कुछ करेंगे, पर आपको ये बता दें हम आश्वस्त हैं आने वाली सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है। गुजरात में 45 से 50 फीसदी के बीच ओबीसी वोटर हैं। ऐसे में अल्पेश ठाकुर के जरिए कांग्रेस इन वोटरों को लुभाना चाहती है। पाटीदार आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल राहुल से मुलाकात को लेकर भले ही आनाकानी करें, लेकिन कांग्रेस के समर्थन को लेकर वो मुखर हैं। बिल्कुल भाजपा के खिलाफ ही है। अगर मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की जगह अगर कोई बसपा पार्टी मजबूत हुई तो बसपा को सहयोग करते। यहाँ पर कांग्रेस है दूसरे सेकंड नंबर पर विपक्ष में, तो स्वाभाविक तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस को ही सपोर्ट मिलेगा। कांग्रेस अगर टिकट देती तो लड़ो आप, और जहाँ जरूरत पड़े हम सहयोग देंगे, लेकिन भाजपा में अगर मेरे फादर भी चुनाव लड़ेंगे मैं सहयोग नहीं दूंगा। गुजरात में 15% पटेल हैं। ऐसे में हार्दिक के सहारे कांग्रेस की पटेल वोटरों पर पैनी नजर है। गुजरात के 8% दलित वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस के निगाह दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी पर टिकी है, लेकिन जिग्नेश ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। जातिगत समीकरण बिठाने के अलावा कांग्रेस लोक लुभावन वादों का भी सहारा ले रही है। पाटीदार को आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी आरक्षण का वादा किया है। बेरोजगारों को 4,000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने, महिलाओं को घर देने और किसानों की कर्ज माफी का वादा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक हो चुका है। आखिरी ओवर तक बाजी पलटती रहेगी, लेकिन मैच कौन जीतेगा ये तो गुजरात के 4,30,00,000 वोटर ही तय करेंगे। राजनीति जो न करवाए सो कम। गुजरात में चुनावी सरगर्मी के बीच एक के बाद एक नए सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी और हार्दिक पटेल के बीच मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन रहस्य अब तक बना हुआ है। अहमदाबाद के ताज उम्मेद होटल के कमरा नंबर 224 के बाहर का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि जिस कमरे में हार्दिक पटेल गए उसी कमरे से राहुल गांधी भी निकल रहे हैं। हालांकि हार्दिक पटेल अब भी मुलाकात से इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात पर लगातार झूठ बोल रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का सच होटल के अंदर के ये सीसीटीवी फुटेज बताएंगे। कमरा नंबर 224 का राज, वीडियो नंबर 1। अहमदाबाद के ताज उम्मेद होटल के कमरा नंबर 224 के पास लगे सीसीटीवी में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल नजर आते हैं। 23 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर हार्दिक पटेल कमरा नंबर 224 में घुसते हुए दिखाई देते हैं। कमरा नंबर 224 का राज, वीडियो नंबर 2। 1:02 पर सफेद पायजामा कुर्ता में एक शख्स इसी कमरा नंबर 224 में घुसता है, जिसमें हार्दिक पटेल पहले से ही मौजूद हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं। कमरा नंबर 224 का राज, वीडियो नंबर 3। राहुल गांधी के कमरे में घुसने के करीब 55 मिनट बाद दोपहर 1:56 पर हार्दिक कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते हैं। तेजी से बाहर निकलने के बाद हार्दिक वापस लॉबी के पास आते हैं और एक शख्स से बातचीत करते हैं। कमरा नंबर 224 का राज, वीडियो नंबर 4। हार्दिक के निकलने के करीब 30 मिनट बाद पायजामा कुर्ता में मौजूद राहुल गांधी 2:23 पर कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते हैं, वापस उधर ही चले जाते हैं जहां से आए थे। सबूत सामने आने के बावजूद हार्दिक पटेल दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स राहुल गांधी नहीं बल्कि कोई और है। सीसीटीवी फुटेज में राहुल गांधी नहीं है,
मैं मिला हूँ, लेकिन मैं अशोक गहलोत साहब से मिला था और वो जो थे वो कोई और थे। पहली बात कि सुबह से राहुल गांधी आते हैं वो कुर्ते में आते हैं और यहाँ पर टी शर्ट कैसे हो जाती है, अपने बैग लगा रखी हाथ में बुक, वो राहुल गांधी ऐसे थोड़ी ना आते। हार्दिक पटेल की सफाई के बाद कुछ और तथ्य भी देखिए। हार्दिक का दावा है कि उन्होंने होटल में अशोक गहलोत से मुलाकात की। 23 तारीख को अशोक गहलोत कुर्ता पजामा के साथ काले रंग की जैकेट में थे, जबकि सीसीटीवी में जो शख्स हैं वो सफेद कुर्ते पजामे में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उस दिन राहुल गांधी सफेद कुर्ते पजामे में थे। इतना ही नहीं, 23 तारीख को राहुल गांधी का जो रूट प्लान तय था उसमें ताज उम्मेद होटल का जिक्र नहीं था, जबकि राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे ताज होटल पहुंचे थे। हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की गुप्त मुलाकात का सबूत सामने आने पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हार्दिक पटेल पर प्रहार किया है कि भाई रात को आना, छुपके छुपके पिछले दरवाजे से जाना आना, मिलना, फिर भी बताना कि नहीं मिला हूँ, झूठ बोल रहे, ये क्यों जरूरत है? जनता को बचाए बताए क्या डील किया है आपने, आपने कौन सी डीलिंग की है वहाँ? राहुल गांधी के हार्दिक के कमरे में जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि दोनों की मुलाकात हुई। उल्टा कांग्रेस ने बीजेपी पर जासूसी का आरोप मढ़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्नूपिंग करने में बहुत माहिर है। एक और सीसीटीवी में हार्दिक के साथ उनका सहयोगी सूटकेस ले जाता दिखाई दिया है। इस सूटकेस पर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। समाज के लिए कुछ लेने गए थे क्या? और जो बक्सा लेके बाहर निकले हो तो उसके लिए भी मेरे दिमाग में सवाल है कि क्या उस बक्से में कुछ ओबीसी आरक्षण के लिए राहुल गांधी ने भेजा था आपको? भाजपा वालों को भी बता दूं और कांग्रेस वालों को भी बता दूं कि उसके अंदर मेरे कपड़े हैं, उसके अंदर मेरी बनिया है, उसके अंदर मेरा कछुआ है। हार्दिक पटेल ने पहले दावा किया था कि 23 अक्टूबर के दिन राहुल गांधी अहमदाबाद में थे, जबकि उस दिन वो अहमदाबाद में नहीं थे, लेकिन ताज होटल के सीसीटीवी में वो दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज से पोल खुलती देख हार्दिक पटेल ने अब ताज होटल पर केस करने का मन बनाया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या हार्दिक पटेल राहुल से मुलाकात पर झूठ बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो क्यों? जैनेन्द्र कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।